चीते संतु जी चीते एक सेकंड, क्या कर रहा है तू? तू नॉनवेज खा रहा है? हाँ संतु जी, हम भी ना एक बार खा कर ऐसे मतलब टेस्ट करना चाह रहे थे, वो टेस्ट के बारे में पता करना चाह रहे थे कि कैसा टेस्ट होता है, कि लोग मतलब खाकर एकदम दीवाना हो जाता है, एकदम बोरा जाता है। एक सेकंड चीते, तू वाकई टेस्ट करना चाहता है चिकन? नहीं संतु जी, हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि मानिए कल को कोई लड़की पसंद आ गई जिसको नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद हो, उसको कंपनी देने के लिए तैयारी तो करना पड़ेगा ना, प्यार तो त्याग मांगता है ना, तो देख ही रही है सामने कितना बड़ा बवाला खड़ा हुआ है, तो इसीलिए खाकर हम। चीते मैंने तुझसे क्या कहा था, प्यार में किसी को ऐसे बदला नहीं जाता, जो जैसा होता है उससे वैसे ही प्यार किया जाता है। तू बहुत अच्छा लड़का है चीते, तू लाखों में एक है, तुझे पता है कितनी लकी होगी वो लड़की जो तुझसे शादी करेगी, जो तेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। चल स्माइल कर अभी। हाँ? स्माइल कर। जा करिश्मा मैडम बुला रही है। वो कहाँ बुला रही है? फेरों के लिए। प्रेम दे। सर तू इतना जल्दी, आप हाँ कह दी, हमको भी नहीं बताई फिर। फेरे लेने के लिए नहीं, फेरे कराने के लिए। पंडित जी भाग गए, तुझे पता तो है, और तू पंडित है ना, तुझे वो थोड़े बहुत वो मंत्र वंत्र पता है, के लिए पकड़ जा फेरे करा फटाफट, हम आते हैं। जा 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 जा। धोखा। टाइम नहीं है। चले चले चले। शादी की रस्म शुरू करते हैं। चलिए। हाँ एक मिनट एक मिनट। आप दोनों को तो इस शादी से कोई एतराज नहीं है ना? जी हमें कोई एतराज नहीं है, अगर हमारी बेटी खुश है तो हम खुश है। आप लोग शादी शुरू कीजिए। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रुको। हाँ क्या हुआ? तुम तो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, और ये तुम्हारी सीनियर, ये तो लंबी लंबी हाँक रही थी। शादी होगी, सबकी मर्जी से होगी, सबकी खुशी से होगी, और हम खुद अपने बेटे का हाथ इस लड़की के हाथ में दे देंगे। अब क्या हुआ वो सब, हम तो अब भी अपनी बात पर अटल हैं, ये शादी हरगिज नहीं होगी। शादी तो होगी, और आपकी आंखों के सामने होगी, और अभी होगी। चलो चलो जल्दी शादी की। चलो नहीं हटेंगे, हमने कहा था ना अगर ये शादी होगी तो हम जहर खा के अपने प्राण त्याग देंगे, यही मर जाएंगे। ठीक है ठीक है। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा जी। अरे 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 रुको, अरे आपने तो कहा था कि वो मान गई है। हम पर भरोसा रखो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलो देखो, अगर छह फेरे पूरे होने से पहले माँ जी नहीं मानी तो मैं सातवां फेरा नहीं लूंगी। क्या फिर से? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही होगा। अभी चलो छह फेरे तो लो। कुरुक्षेत्र है क्या? अरे हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। हो जाने दी, जितना अनर्थ होना है आज हो जाने दीजिए। अब तुम रस्म शुरू करो, जल्दी कर। वर वधू फेरों के लिए आप खड़े हो जाएं। हाँ आप पी लीजिए सर, आपके पास शीशी है ना जहर की, पी लीजिए। हाँ? हम क्यों मरे, हमारी पर्दा उम्र है, आपने बंद नहीं की। अब हम ये लड़की को मारेंगे, और ये पुलिस वाला जो फेरे करवा रहा है इसको मारेंगे। चाची हमको कहे मारिएगा आप? एक चीते तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा, तुम ये शादी चालू रखो, जल्दी करो। शादी नहीं करना है, कर चलना आगे, बढ़ जल्दी। नहीं 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 नहीं, फेरे को बाद में, इस लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। पहले आप कहिए कि आप इस लड़की को अपनी बहू मानेंगी। घूट पानी दो। आपको पानी भी नहीं। पानी तो दे दो, मेरी दीदी को मर जाएगी वो। अच्छा आप कह रहे हो दे देते हैं। बिल्ले मैडम ये छठा फेर है। अरे
शादी हो गई? इन्होंने मना कर दिया, आप बेहोश जो हो गई थी। माँ, आपकी अनुमति के बिना हम शादी कैसे कर लेते? हमें हुआ क्या था? वो डॉक्टर साहब, या माँ जी, आपकी रिपोर्ट देखकर मैं चौंक गया, अचंभा हो गया कि आपकी रिपोर्ट, फिर आप बची कैसी? ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब? आपको जो बीमारी हुई है उसका नाम है एंटीकिटिपाय। क्या ये कौन सी बीमारी? एंटीफिलोजिस्टिन, ऐसा नाम है एंटीफिलोजिस्टिन। इस बीमारी में क्या होता है, आपकी जो किडनी है वो खराब नंबर से फेल हो गई है और आपके जो लंग्स है वो एकदम से फट गए थे, पर जो आपका हार्ट है वो दो है दो। हार्ट तो एक ही होता है ना? जनरली एक ही होता है, लेकिन ऊपर वाले का दिल आप पे दोबारा आया, इसलिए दो हार्ट, लेकिन दोनों के दोनों एकदम पंक्चर खराब। बहुत सुई धागा लगा, बहुत चिप्पी लगी, बहुत पानी लगा, कहाँ कहाँ पंक्चर है वो देखने के लिए, तब जाके आप ठीक हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं करना है, जिसने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है उसको शुक्रिया अदा कीजिए। केकड़े उठाओ। हाँ हाँ हाँ, उठाओ बेटा। कौन है वो फरिश्ता जिसने हमारे प्राण बचाए? आ बेटा, ये है। मां टोपा है क्या आप? आपने इनका ब्लड इनको दे दिया? ये क्या नर्थ कर दिया इन्होंने? हाँ, कैसे कैसे कैसे? अरे आपको नहीं पता, ये शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी का मौ भी नहीं बोलती है, और आपने इनके अंदर एक चिकन बटन खाने वाले का खून डाल दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? वो चिकन वाला खून छीची छीची वो निकालिए इनके अंदर से जल्दी। ओके, मैं अपनी गलती रिपेयर करता हूँ। देखिए, आपके अंदर जो नॉनवेज वाला खून है इनका, वो मैं निकाल लेता हूँ, और वेजिटेरियन खून जब मिलेगा तब डाल दूंगा। लेकिन एक 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 प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन खून डालने में, नॉनवेज खून निकालने में, उसके बीच में इनकी जान चली गई तो? अम्मा, इंसान मर जाए लेकिन मान्यता ना जाए, जो नॉनवेज खाते हैं वो बहुत पाप करते हैं। हाँ, ये नहीं जाना चाहिए तो मरने दो, है ना आंटी जी? ठीक कह रहे हैं ना हम? नर्स श्री जी, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे क्या हो रहा है? तुम सब मिल गया, मैं मारना चाहते हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम काहे आपको मारना चाहेंगे, हम तो आपको बचाना चाहते हैं। आपने ही कहा था ना कि भैया जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके विचार थोड़े से, तो आपने कहा था जैसा आहार वैसा विचार। अब आपके अंदर नॉनवेज वाला खून रहेगा तो आपके विचार सोचे कैसे हो जाएंगे? ये तो सोचे, इसलिए खून निकालना बहुत जरूरी हो गया। अरे ये क्या बकवास है, मांसाहारी या शाकाहारी थोड़ी ना होता है, खून तो खून ही होता है ना। फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई कि खून तो खून होता है, वेज हो या नॉन वेज। ठीक उसी तरह कि जिस लड़की का खून अभी आपके अंदर है, ये उसका खून कहाँ से आया? उसके माँ बाप से, और खून के साथ साथ उन्होंने इस लड़की में भर भर के दिए हैं संस्कार, सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाने के संस्कार, और पूरे परिवार को एक साथ प्यार से संभालने के संस्कार। आपको पता है ये तो भागने वाले थे ना, और ये भाग भी जाते आप रोक नहीं पाती इनको, क्योंकि उनका कानूनी अधिकार है। आपका बेटा फिर भी भागना चाहता था, लेकिन ये लड़की ही थी जो डटी हुई थी कि जब तक आपकी रजामंदी नहीं मिलेगी ये नहीं शादी करेगी। सुनिए आंटी जी, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपके बेटे को लाइफ के लिए इतनी बढ़िया वाइफ मिली है। हाँ प्लीज मान जाइए ना, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, मुझ पर विश्वास कीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर आपको अपने फैसले पे शर्मिंदा नहीं गर्व महसूस करेंगे। नंबर बेटा, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं माँ जी,
चटक चंदी सुनना, अभी बता दे के आंटी को ये सब नाटक था। नहीं नहीं नहीं, जाने दो ना, बहुत मुश्किल से मानी है, ये कभी भी पलट सकती है, डेंजर है और जान का डर है ना, तो फालतू चीजों में ध्यान नहीं जाता। सही कह रहे हैं बिल्ले, ये झूठ जो है ना इसके दो रूप होते हैं और कभी कभी झूठ का डर अच्छा होता है। झूठ के डर से भलाई हो जाती है, दो लोग एक हो जाते हैं, परिवार एक हो जाता है, तो ऐसे झूठ कभी कभी बोलना ठीक है। मैम थैंक यू सो मच, आपने और आपकी पूरी टीम ने माँ को मना लिया हमारी शादी के लिए। आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। हेलो हसीना मलिक। हाँ हसीना मलिक बोल रही हैं। हाँ हाँ, आप कौन? आपके माताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचिए। क्या ये? हाँ 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 ठीक है। हाँ संतु सुनो, हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ उर्मिला को मैडम से समझ कर उन पे हमला हुआ था और अनुभव भैया ने उर्मिला की जान बचाते हुए उन गुंडों पर गोली मार दी थी। हमें पहले बदमाश का फोन मिल गया, बस दूसरे बदमाश का ही फोन ढूंढना है, वो यहीं कहीं होगा बस। ये आइडिया तो ठीक है, पर चांस लेने में क्या जाता है? का मतलब? नहीं मेरा मतलब है अच्छा है, आइडिया अच्छा है ना। पूरा दुनिया चांस पे चल रहा है संतु, बात को समझो, अगर हम एक चांस ले लेंगे ना तो कोई संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा जिंदगी का, समझे? एक मिनट रुको पुष्पा जी, एक मिनट। हेलो। हाँ पुष्पा जी बोलिए, देखिए हम ड्यूटी पर है, जल्दी बोलिए। तमीज से, सास है हम आपकी, अभी ड्यूटी का समय खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, आप हमारी सास हैं, सास रहेंगी, लेकिन अभी बोलिए किस लिए फोन किया आपने? हमारा दही और मक्खन लेकर आई आप? बस ला रहे हैं बस अभी दही मक्खन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है पुष्पा जी, ठीक है अभी रखते हैं। हाँ तो अरे बात कर रहे हैं फिर भी हमारा फोन काट दिया। हाँ संतु, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हमें पहले वाले बदमाश के फोन से कुछ नहीं मिला है, अब दूसरा बदमाश है जिसके फोन से हमें दही मक्खन मिल सकता है, समझी ना तुम? दही मक्खन? नहीं नहीं सॉरी, लीड मिल सकता है, लीड। दही मक्खन का? हम आओ जड़ बुद्धि, मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने का। अच्छा ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये पुष्पा जी ना, एक मिनट सुनो, हम कौन कॉल पे ले रहे हैं पुष्पा जी को? जी पुष्पा जी बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा फोन क्यों काटा, बात कर रहे थे ना हम? नहीं नहीं मैंने नहीं काटा, करिश्मा मैडम ने काटा आपका फोन। संतु तुम भी हो साथ में? अरे हमने फोन को वो कर दिया, मर्ज कर दिया। अच्छा अच्छा, वो हमारा दही और मक्खन लेकर आई आप? अरे आ जाएगा, दही मक्खन नहीं हो गया क्या, सोना होगा? अरे आ जाएगा भैया, आ रहे लेकर आ रहे। हाँ झूठ बोल रही हैं आप, हम आपको अच्छे से जानते हैं, अभी तक आप हमारा दही मक्खन लेकर नहीं आई है। हाँ नहीं लिया, लेकिन ले लेंगे और फिर आ भी जाएंगे, एक दिन दही मक्खन लेट खा लेंगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे क्या आपके? हाँ हाँ, आप तो यही चाहती है ना कि ना रहे सास और ना रहे ये दही और मक्खन का रोज का झंझट, आप तो 24 घंटे यही दुआ मांगती होंगी ना कि निकल ले आपकी सास ऊपर। नहीं पुष्पा जी, जिस हिसाब से आप घी बादाम बेसन दही चावल रोटी सब्जियाँ सब लपेटती रहती है ना, उस हिसाब से 200 साल अभी आप और कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी हमारी छाती पे मूंग दलेंगी आप, समझे? कॉकरोच और आपका जो है ना प्रजाति, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो आजीवन ऐसा ही रहेगा, समझे आप हमारी बात को? एक मिनट, आपने हमें अपनी सास को कॉकरोच बोला? हाँ यही संस्कार दिया आपकी अम्मा ने आपको? अरे हमारे लल्ला के तो भागे फूट गए, क्या पता है। पुष्पा जी मैंने आपका दही मक्खन ऑर्डर कर दिया है, 20 मिनट में आ जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद संतु धन्यवाद। पुष्पा जी देखिए अब हम फोन रखें, काम पे हम आपसे तो संतु। अच्छा हसीना जी आ गई, आई आई हसीना जी, आपकी अम्मी के हाथों के बने पनीर के पकोड़ों का आनंद लीजिए, आई आई बैठिए। अम्मी ये सब क्या है, हमें अभी फोन आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। वो दरअसल हमने कॉल किया था आवाज बदल कर, पर वो आइडिया हमारा नहीं था, आपकी माताश्री का था, पूछिए इनसे पूछिए। अब फोन नहीं करवाते तो तू ऐसे भागी भागी चली आती? हाँ तेरी पसंद के पनीर पकोड़े बनाए हैं, अच्छा तू बैठ, हम और पकोड़े लेके आते हैं। हाँ एक बात समझ नहीं आई, अम्मी के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर आप ऐसे दौड़ी चली आई जैसे वो आपकी सगी माँ। अम्मी अम्मी होती है ना, फिर वो चाहे किसी की भी हो। एग्जैक्टली यही तो हम आपसे हमेशा कहते आ रहे हैं कि माँ माँ होती है, जरा सोचिए क्या बीतेगी इन पर ज
जब इन्हें पता चलेगा कि जिन्हें ये अपनी बेटी समझ रही हैं, दरअसल वो उनकी बेटी नहीं है। क्या अधिकार है आपको किसी की मां को इस हद तक तकलीफ देने का? हमें लगता है कि उन्हें आज आपको बता देना चाहिए। अगर हमने और बहाने बनाए तो अनुभव को शक हो जाएगा कि हम उर्मिला मात्र नहीं हसीना मलिक हैं। हमें लगता है कि उन्हें आज आपको बता देना चाहिए। अगर हमने और बहाने बनाए तो अनुभव को शक हो जाएगा कि हम उर्मिला मात्र नहीं हसीना मलिक हैं। मैं आज बताने वाली थी। आज नहीं, अभी अभी यही सही मौका है, नेकी कर दीजिए। अरे ये लो चटनी के साथ खाना, हाँ, बहुत बढ़िया लगा। हाँ हाँ, लेकिन और दो नहीं, बस 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 बस। अम्मी हाँ, हमें आपसे बात करनी। अरे वो सब बातें बातें होती रहेंगी। नहीं नहीं, एक मिनट, हमें जरूरी बात करनी है। दरअसल सच बात ये है कि हम हसीना मलिक नहीं हैं। मेरा असली नाम उर्मिला महादेव मात्रे है, मैं मुंबई में रहती है और मैं तेरी बेटी के माफिक दिखती है, इसके लिए मेरे को। इसीलिए कहते हैं उस बिल्लू कैदी के साथ मत रहा कर, निकाल दे उसे थाने से। उसके साथ रह रहे के ना तू भी ऐसा गंदा मजाक करने लगी। अरे मजाक ही करना था तो ढंग का मजाक करती। हाँ बताओ, एक माँ से कह रही है कि उसकी औलाद नहीं है, ये बात तो ऊपर वाला भी एक माँ से नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी जानता है कि एक माँ का अपनी औलाद से रिश्ता एहसास का होता है, जो सिर्फ महसूस करके भी पहचान लेती है। अच्छा चल बैठ, हम पकौड़े लेकर आते हैं। क्या मेरे चिक्को, क्या लगा रहे तेरे को कि अब जो तूने फोन पे किया था आवाज बदल के, वो एक्टिंग थी? चाचा ये अभी जो मैंने किया ना, इसको बोलते एक नंबर परफॉर्मेंस। इस साल का भास्कर अवार्ड नक्की मिलेगा किसको? उर्मिला महादेव मात्रे को। तू कहाँ, पकोड़ा खा। क्या लगा था हम आएंगे नहीं का वापस? अपना अपना काम करा। ठीक है बे, मतलब चोरी दुठो डकैती एक और एक अच्छी ना चोरी सिर्फ एक, वो भी हम पकड़े हैं, अब आप पे तो केस दर्ज नहीं कर सकते। और ये घरेलू हिंसा, यहाँ 5 यहाँ 15 का 16 किया हुआ ससुरा। अबे तो तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। महिला थाना कितनी तरक्की कर रही है और तेरे थाने का ग्राफ उससे भी ज्यादा नीचे गिर रहा है, और तू यहाँ खड़े खड़े 32 दिखा रहा है और केले का चिप्स चबा रहा है ना? ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। ये दीदी ने आपके लिए बनाया है ना, लीजिए। एक बार ससुरा, एक बार वो महिला पुलिस थाने का नब्ज हमारे हाथ में आ जाए, फिर देखना कैसा कुंडली पलट देता हूं उस हसीना मलिक का महिला पुलिस थाने का। ये लोग यहां थे, अनु भैया ने यहां से गोली मारी होगी, यहाँ से अनु भैया ने गोली मारी होगी, और ये यहाँ थे, इस हाथ में फोन था, गोली यहाँ लगी तो ये पीछे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ था हाथ, यहाँ से गोली लगी और ये देखो भैया, एक बात पूछेंगे जवाब एकदम सही से चाहिए, नहीं तो बहुत कूटेंगे। हाँ कुछ फोन मिला था क्या तुमको थोड़े दिनों में यहाँ पे कोई? नहीं मैडम। सच बताना। नहीं, हमें यहाँ पे कोई फोन नहीं मिला। ठीक है, गोली लगी यहाँ, यहाँ से और
तो दरवाजा भी बंद है, यहाँ फोन गया नहीं है, तो फिर कौन? मैया का सासु मैया, संतु फोन मिल गया है। फोन मिल गया मैडम? हाँ फोन मिल गया है। अब सुनो, तुम्हें जो हम कहेंगे वही करना, ठीक है? जी मैडम। समझी? ओके मैडम। अब ये फोन हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा जिसकी वजह से आज मैडम सर हमारे बीच नहीं है।